बताइए सुमित कौन सा शेयर है। शुक्रिया दीपाली, आज जो शेयर चुना गया है वो फार्मा स्पेस से है, ब्लिस जीवीएस को चुना गया है। चुनने की वजह क्योंकि एक तो पहले बाजार में गिरावट और डिफेंसिव शेयर हो सकता है कुछ यहाँ पर सेलेक्ट होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन इस कंपनी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर अगर नजर डाले तो ऑपरेटिंग मुनाफा पिछले तिमाही के अंदर करीब 72% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था, एक अच्छा आंकड़ा वहाँ पर आया था। ये सिक्वेंशियल बेसिस पर वाई वाई में भी 27% के आसपास की इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई पड़ी। ऑपरेटिंग मार्जिन अगली तिमाही के लिए यानी कि Q1 के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी 7% के आसपास हो सकता है। मार्जिन फ्रंट पर एक रिलीव आता दिखाई पड़े, कंपनी के कुछ ऐसे प्लांट जहां पे हाई मार्जिन बिजनेस कंपनी करती है वो शुरू हुए थे, उसका एक इंपैक्ट कंपनी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा वैल्यू वाइज भी देखें तो कंपनी की मौजूदा ईपीएस करीब 7 रुपए के आसपास के 14 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 28 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो रफली सेक्टर कंपैरिजन में देखें तो हाफ वैल्यूएशन के आसपास ये शेयर दिखाई पड़ रहा है, बुक वैल्यू के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। और जिन रिपोर्ट्स को रेफर किया गया है उनका यहां मानना है कि यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड शेयर में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट है 170 रुपए के टारगेट्स वो यहां से देख रहे हैं। एक और अहम चीज जो है वो कंपनी के साथ कि लगातार कंपनी डिविडेंड जो है वो पे ऑफ कर रही है, प्रमोटर करीब 60% के आसपास स्टेक है जो कि इंटैक्ट है, लगातार प्रमोटर ने उसी स्टेक के आसपास ही मेंटेन कर रखा और एक अच्छे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड साथ कंपनी कामकाज भी कर रही है। फार्मासिटिकल कंपनी है, कैश भी ठीक ठाक है और डेट को भी ईज आउट किया है। फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट है, खरीदारी कर सकते हैं 170 रुपए के टारगेट के लिए। तो ब्लिस जीवीएस फार्मा आप 4% ऊपर दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। आज का सुपर शेयर 98 के लेवल्स और 4.5% का इजाफा देखा जा रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक एक्सटेंडेड बाइंग स्टॉक में कंसिस्टेंटली आते हुए। शुक्रिया सुमित आज का सुपर शेयर बताने के लिए। मार्केट्स दबाव में है, दिन के निचले स्तरों पर आ चुके हैं, 8300 के नीचे निफ्टी आ चुका है और सेंसेक्स भी 130 पॉइंट्स नीचे है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो कि ज्यादा पेन में है उनमें टेलीकॉम डेफिनेटली है, टेलीकॉम के अलावा एनर्जी स्टॉक्स, बैंक्स, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा है। एनर्जी स्टॉक्स की बात हुई है तो ONGC, IOC, HPCL, BPCL सभी दबाव आज के सेशन में देखा जा रहा है। लेकिन सुनील, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें तो ज्यादातर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं आने वाले अर्निंग सीजन को लेकर उनके मुताबिक ये दो ऐसी पॉकेट हैं इस पूरे ही सेक्टर से जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। आपकी राय क्या है और प्योरली अर्निंग्स के लिहाज से कुछ चुनिंदा सेक्टर्स स्टॉक्स आप चेज करने की सलाह देंगे? देखिए, इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी में नो डाउट रिजल्ट बेटर आ सकते हैं, बट द रीजन इज इन्वेंट्री गेन। अगर आप देखेंगे रिफाइनिंग मार्जिन तो मुझे लगता है कि लास्ट क्वार्टर से डिक्लाइन आएगा और सब्सटेंशियल डिक्लाइन आएगा, तो इन्वेंट्री गेन इज मोर ऑफ एन इवेंट जो ये रिजल्ट के आसपास खत्म हो जाएगा और उसके लिए स्टॉक्स ऑलरेडी मूव अप कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इनमें जैसे रिजल्ट आएंगे या रिजल्ट के आसपास अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मुझे नहीं लगता कि अब ये स्टॉक में यहाँ से कोई अपमूव बचा है या लिमिटेड अपमूव है, तो उसको यूज़ करना चाहिए जो ऑलरेडी पोजीशन है उसको कम करने के लिए। बिल्कुल, रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम टू स्टॉक्स जो मैंने रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कहे, उसके अलावा अगर कोई स्टॉक्स रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि फेडरल बैंक नो डाउट ऑलरेडी थोड़ा मूव कर चुका है, बट मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट अभी भी नियर टर्म में जो आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स देखा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट क्वार्टर में अमरा राजा बैटरी का रिजल्ट काफ़ी वीक आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि इस क्वार्टर में वो बाउंस बैक वापस दिखाई दे, तो वो एक रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से उसे देखा जा सकता है। इस बीच निफ्टी अब 42 पॉइंट्स नीचे, 8297 का लेवल है, लेकिन इसने जो लो हिट किया है वो ऑलमोस्ट 8287 का था, यानी इंट्राडे हाई से ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स नीचे इसने लो बनाया है। और हेवी वेट्स में जिस तरह की वीकनेस है हेमंत, 82 80 या 82 70 अगर आज टेस्ट हुआ तो फिर उसके नीचे किस लेवल पर नजर रखेंगे आप? देखिए मीर, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है जिस तरह से 82 में पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, वो बहुत ही एक अहम स्तर है मार्केट के लिए। मेरे हिसाब से मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी 82.50 के आसपास। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे 82.50 टूटता हुआ नजर आता है, तो मेरे ख्याल से अगर आज 82.50 देखने को मिलता है तो मैं डेफिनेटली एक बार दोबारा लॉन्ग अटेम्प्ट करूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 82। मुझे लगता है 82.50 अगर होल्ड करेगा तो बाजार एक बार दोबारा 84 का अटेम्प्ट जरूर करेगा इसी एक्सपायरी से पहले।
जी हेमंत, लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स हुए, एनर्जी स्टॉक्स हुए, ये दबाव बना रहे हैं इंडेक्स पर। आइडिया सेलर अब ऑलमोस्ट 2.5% नीचे आ चुका है। ओएनजीसी हाल ही में चला था लेकिन कल करेक्ट हुआ और आज फिर से 1.5% नीचे है। क्या ये शेयर्स आइडिया हुआ या फिर ओएनजीसी हुआ, इन स्तरों से और नीचे आ सकते हैं? देखिए, मैं आइडिया पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ग्रुप कंपनी, लेकिन टेलीकॉम में ओवरऑल मुझे भारती में भी थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है, क्योंकि भारती भी 370-375 क्रॉस नहीं कर पा रहा है ऊपर की साइड पे, और कल भी थोड़े से ऊपर के लेवल से शॉर्ट्स बने हैं। तो मेरे हिसाब से यू मे सी भारती टेस्टिंग 350-355 लेवल्स। जहां तक ओएनजीसी की बात रह गई, मेरे हिसाब से ओएनजीसी में एक अच्छा रन अप देखने को मिला, 220 के ऊपर स्टॉक सस्टेन भी हुआ है, तो आज मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा ओएनजीसी अनलेस अंटिल 218 के नीचे दोबारा जाए। मेरे ख्याल से 220 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक इज होल्डिंग गुड, शॉर्ट तभी कीजिए अगर 218 के नीचे जाता है, क्योंकि तब वो इम्पोर्टेंट जो ब्रेकआउट है वो उसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कह पाएंगे। जी ब्रजेश, अब जिस तरह का ट्रेड है, आप ऑन द लोअर साइड कोई स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, जैसे SBI के बारे में मैं कहना चाहूँगा, नो डाउट 225 के आसपास का रेजिस्टेंस रहा, लेकिन स्टिल अगर नीचे में 200 का एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है, तो अगर कोई करेक्शन आता है एंड समवेयर अराउंड द स्टॉक इज बीन ट्रेडिंग 210 और 211 ऑड लेवल, देन वी कैन गो फॉर अ बाई साइड विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 202 एंड लुक अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 225। जी, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर को एक बार देख लेते हैं, हालांकि पूरा ही स्पेस दबाव में है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड करें, तो आप देखिए इंडिया सीमेंट को, यहां पर 0.5% के आसपास की बढ़त है। डेकन सीमेंट एक शेयर जहां पर 0.5% का उछाल देखा जा रहा है, और एक अंबुजा सीमेंट, यहां भी बायस पॉजिटिव है, और अंबुजा सीमेंट भी अभी 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1% के गेंस लेकर। हेमंत, अंबुजा सीमेंट पर आपके कॉमेंट्स क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से सीमेंट स्टिल इज अ सेक्टर जो काफ़ी स्ट्रांग है, रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रांग है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अंबुजा ने कल भी काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड किया था, मेरे हिसाब से इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स 265-270 लेवल्स। आपने इंडिया सीमेंट की बात की, मेरे ख्याल जब तक वो स्टॉक 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो उसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है और इतना ओपन इंटरेस्ट एडेड है, लगता है 120 से 122 तक का अप स्तर देखने को मिल सकता है। सीमेंट सेक्टर में गिरावट तभी आ सकती है अगर निफ्टी में बहुत बड़ा कोई फॉल आए, नहीं तो मेरे ख्याल हर गिरावट में आपको बाइंग देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। जी, एक बार कैडिला हेल्थकेयर को आप देखिए, दिन के उच्चतम स्तरों पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इस तरह का बज है कि मोरैया यूनिट को लेकर भी USFDA से कंपनी को एक क्लियर इंडिकेशन मिल सकती है, EIR रिपोर्ट मिल सकती है, इस तरह का बस है। हाल ही में बद्दी यूनिट को भी EIR रिपोर्ट मिली थी USFDA की ओर से, और मोरैया यूनिट जिसको 2015 में एक अलर्ट जारी हुआ था, तो इसीलिए आप देखिए एक रिफ्लेक्शन स्टॉक पर आ भी रहा है, और स्टॉक अब दिन के उच्चतम स्तर पर आ चुका है, 3.5% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। सुनील, आप कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे? कैडिला, बद्दी यूनिट को ऑलरेडी EIR रिपोर्ट मिल चुकी है, और अब बस है कि मोरैया यूनिट को भी क्लियरेंस मिल सकता है। या ये एक रिवर्सल साइकिल है, मींस जो पहले हमने देखा कि कंसिस्टेंटली सब एक के बाद एक कंपनी, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों की प्रॉब्लम्स में आ गई थी, अब एक के बाद एक कंपनियां उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रही है। ओवरऑल फार्मा की कंपनियों का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है, दे जनरेट लॉट ऑफ कैश एंड जनरेट लॉट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक्स दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं। कई स्टॉक्स यहाँ पर अभी भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है जो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अट्रैक्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी अभी डॉक्टर रेड्डी इस लाइन में रिकमेंड किया था, कैडिला इज डेफिनेटली वन ऑफ देम विच गॉट इम्पैक्टेड, एंड अगर सपोज करो वो रिवाइवल होता है तो इमीडिएट गेन आएगा, और अदरवाइज ऑल्सो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उनका पुराना अपना जो प्लांट में और प्लस ANDA में, वो ओवर ए पीरियड फ्रूटिफाई होएगा, तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर ओवरऑल यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में। जी, लेकिन कैडिला पे एक टेक्निकल कमेंट भी ले लेते हैं, क्योंकि खबर जो अभी आ रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अप्रूवल मिलता है मोरैया यूनिट को तो एक बड़ा ट्रिगर होगा कैडिला के लिए, क्योंकि 60% ऑफ US सेल्स और 50% ऑफ US फाइलिंग्स कंपनी कैडिला से ड्राइव करती है। ब्रिजेश, एक छोटा कमेंट आपका कैडिला पर।
The stock was been trading in a narrow range, somewhere around 310 around downside, 335 on upper side. 354 के आसपास में उसका एक 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है. इवन 50 डे वीकली मूविंग एवरेज वो समवेयर अराउंड 357 के आसपास में ट्रेड कर रहा है. पर जिस हिसाब से स्टॉक्स ने जो ब्रेकआउट दिया वो इंडिकेट करता है कि प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले दिनों में मिनिमम आपको 380 385 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे. अगर किसी को पोजीशन बनानी है इस लेवल पर तो 335 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर बाइंग कर सकते हैं.